वेलकम टू एवरीबॉडी। जैसा कि पिछले वीडियो में देखा गया कि एक्सरसाइज 8.2 के सवाल नंबर 1 के हल कर चुके थे, 3 पार्ट्स के बाद अब चौथा पार्ट्स देखना है। लेकिन फिर सलाह देंगे, जब तक ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखते हैं तो ये समझ में नहीं आएगी। क्योंकि क्या है कि जो इंट्रोडक्शन बताया जाता है वो बहुत खास होता है। जब तक इंट्रोडक्शन ना आएगा तो समझ में तो आ ही जाते हैं, लेकिन समझना थोड़ा सा बल का काम होता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं तो मेहनत भी कम करेंगे और पढ़ने में भी मज़ा आएगी। तो अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2। अब सवाल नंबर 1 के 3 पार्ट्स हल कर चुके हैं, 3 के बाद चौथे पार्ट को देखते हैं कैसे हल होता है। तो देखिए कैसे सवाल लिखा हुआ है। यहाँ पर 37 क्या कहा गया था कि पहले एक लाइन में सवाल को उतारेंगे, 37 प्लस 10 45 माइनस कासिक 60, फिर क्या लिखा हुआ है बटे में, सेक 30 प्लस कास 60 प्लस काट 45। हल कैसे करना है, साइन 30 लिखा हुआ है तो चार्ट पे चलते हैं। चार्ट है साइन और 30 देखना है, तो साइन 30 का मान निकल के आ रहा है 1/2। और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, शायद अब कुछ लोगों को याद भी हो चुका होगा और कुछ लोगों को नहीं याद है तो याद करें या फिर बनाना सीखें। प्लस लिखा है, प्लस लिखेंगे, 10 45 है, चार्ट में देखते हैं 10 45 देखते हैं, तो 10 45 का मान आ रहा है 1। माइनस कासिक, कासिक लिखा हुआ है, कासिक 60 का मान देखते हैं तो 2/√3, कासिक 60 का मान होता है 2/√3। इस तरह से मान रखाए गए, फिर बटे लगा है, इनको लिखते हैं, लिखा है सेक 30, ये है सेक, ये है 30, तो सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3। फिर प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे, कास 60 लिखा है तो कास 60 का मान देखते हैं कितना है, कास 60, ये कास, ये 60, और इसका मान है 1/2। प्लस लिखा है, प्लस को लिखते हैं, काट 45, ये है काट, ये है 45, तो काट 45 का मान कितना निकल के आ रहा है 1। इसके बाद क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हल करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले देखना है कि अब आगे क्या होने वाला है। तो केवल एक ही सिस्टम है जिस पर किया जा सकता है, वो है एलसीएम का। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पर नहीं होता है हर तो वहाँ पर एक मान लेते हैं। तो इन तीनों का अब पहले एलसीएम लेना, जिनको एलसीएम लेना नहीं आता वो क्या करेंगे, अगर अंक अलग अलग हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं, अलग हैं, तो क्या करेंगे, तीनों को जो है इंटू मिलेंगे, गुणा मिलेंगे, 2/1/√3। चाहे 3 हो, 4 हो या 2 हो, सबको ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कब, जब अलग अलग हों। तो 2/1/√3 लिया गया। अब कैसे लेते हैं, देखो कितना अच्छा समझ में आने वाला है। 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 को देखिए, इस 2 को देखिए, 2 से 2 कटेगा, तो बच क्या रहा है, केवल 1 बचा, √3 बचा, तो √3 1 √3, जो √3 आया है वो √3 इस 1 से गुणा करेगा, तो √3 1 भी √3 होता है। प्लस, प्लस लगाइए, अब देखिए 1 है तो 1 से 1 कटेगा, बाकी कुछ नहीं कट रहा है, तो जो बचा है वो क्या है, 2 √3, 2 √3 1 से गुणा करेगा, तो 2 √3 1 2 √3, फिर माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, √3 से √3 कट जाएगा, बचा क्या, 2 1 2, जो 2 बचा है वो 2 से गुणा करेगा, तो 2 × 2 = 4 आ जाएगा। इस तरह करते हैं, अभी तक केवल ऊपर वाले की बात हुई है, अब ये बटे लगाएंगे, जो मेन है सवाल का बटे उसको। अब लासा लेना है इन तीनों, देखिए यहाँ पर नहीं तो नीचे एक मान लेंगे, तो कैसे लेते हैं लासा, जब अलग अलग हों तीनों को गुणा में लिख लेते हैं, क्या लिखा है, √3, गुणा लगाएंगे दूसरे वाले को लिखेंगे, फिर गुणा लगा के तीसरे को लिखेंगे। हल कैसे करना है कि √3 से √3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 1 2, जो 2 आ रहा है वो 2 जाके इस 2 से गुणा करेगा, तो 2 × 2 = 4, प्लस है तो प्लस लगाते हैं, 2 लिखा है हर में तो हर में जाइए, 2 से 2 कट रहा है, तो बच क्या रहा है, √3 1 √3, वही √3 जो आ रहा है 1 से गुणा करेगा, तो √3, प्लस तो प्लस, 1 है हर में, यहाँ के हर में क्या है 1, तो 1 से 1 कटेगा, बचा क्या, 2 √3, ये 2 √3 1 से गुणा करेगा, तो हो जाएगा 2 √3।
इस तरह देखा गया कि यहाँ पर एक दो तीन चार अंक दिए थे, तो एक दो तीन चार यानी दो बार लासा लेना पड़ा इस पर यहाँ पर और यहाँ पर, कैसे हल हुआ है देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या करते हैं इस सवाल को तो देखना है कायदे से। ये लिखा है अंडर रूट तीन और ये लिखा है दो अंडर रूट तीन। प्रश्न ये उठता है कि कितने अंडर रूट तीन है, तो केवल एक अंडर रूट तीन है, तो एक अंडर रूट तीन है ये, तो एक अंडर रूट तीन धन का है और धन का दो अंडर रूट तीन है, तो दो अंडर रूट तीन और एक अंडर रूट तीन दोनों धन धन के जुड़ जाएंगे, तो दो अंडर रूट तीन और एक अंडर रूट तीन मिलकर के हो जाएगा तीन अंडर रूट तीन। फिर माइनस का क्या है, चार है। नीचे क्या लिखा हुआ, दो एक कम दो, फिर ये भी इनटू में है, गुणा में है, तो दो एक कम दो अंडर रूट तीन आ गया इसे। फिर मेन बटा लगाते हैं इसका, यहाँ पर देखना है क्या है, चार लिखा है चार लिख देंगे, प्लस है प्लस करेंगे। फिर देखिए कैसे, फिर अगर प्रश्न उठाया जाए कितने अंडर रूट तीन है ये, तो एक अंडर रूट तीन है जो धन का है, दो अंडर रूट तीन ये भी धन का है, तो धन धन के जुड़ते हैं, तो दो अंडर रूट तीन और एक अंडर रूट तीन जुड़ करके आ जाएगा तीन अंडर रूट तीन। फिर बटे लिखा हुआ है दो एक कम दो अंडर रूट तीन, दो एक कम दो है ये भी गुणा में है, तो बनता है दो अंडर रूट तीन, ये आया इस तरह। अब क्या कर सकते हैं, ये दो एक तरह के हैं, हम सकल हैं, जब हम सकल हैं तो काट देंगे। अब क्या हुआ, जो बचा है उसको नोट करेंगे, तीन अंडर रूट तीन माइनस चार बटे क्या लिखा हुआ है, चार प्लस तीन अंडर रूट तीन। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी को आंसर मान के बड़े खुश हो जाते हैं कि बस मैंने हल कर लिया, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि हर में करणी चिन्ह ना होना चाहिए, अगर करणी चिन्ह है तो वो आंसर नहीं है, अभी आगे हल करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं इसके लिए, बैक सवाल में भी बताया गया था, तीन अंडर रूट तीन माइनस चार, चार प्लस तीन अंडर रूट तीन, फिर उतार लेंगे, नहीं उतारते ही नहीं चले जाना है, इसका भी हल करना है। कैसे, इसका परिमेयकरण करते हैं, तो परिमेयकरण कैसे किया जाता है, संख्या नीचे की लेते हैं पर थोड़ा सा मैच करके चलना है, मैच अब बाद में कर लेंगे। संख्या नीचे की लेते हैं, चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो माइनस करेंगे, क्या लिखा है तीन अंडर रूट तीन, और फिर इसके बाद चिन्ह बदलने के बाद ऊपर नीचे गुणा करवा देते हैं, चार माइनस तीन अंडर रूट तीन। कैसे होता है परिमेयकरण फिर से सुनेंगे, हर की संख्या के लेते हैं, चिन्ह बदलते हैं, ऊपर नीचे गुणा करवा देते हैं, तो इस तरह करते हैं। अब इसको आगे और देखना है, अभी आगे देखना है, तीन अंडर रूट तीन जैसे इनको पहले कोष्ठक में लिखते हैं, गुणा का मतलब कोष्ठक होता है, चार माइनस तीन अंडर रूट तीन, फिर बटे इनको भी कोष्ठक में लिख लेते हैं। कोष्ठक में लिखने से क्या है कि अगर फार्मूला बनते हैं तो समझ में आ जाता है कि क्या बन रहा है, और फिर लिखा है चार माइनस तीन अंडर रूट तीन, इसलिए कोष्ठक में लिखा जाता है। अब कैसे हल करते हैं तो आगे देख रहे हैं, इन दोनों को देखिए ध्यान से, इनमें क्या अंतर है, तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो अंतर क्या है, चार इसमें भी है तो चार उसमें भी है, तीन अंडर रूट तीन इसमें तो तीन अंडर रूट तीन उसमें भी है, सेम है, लेकिन क्या अंतर है, अंतर आ रहा है सिर्फ चिन्हों का, कि इसमें चार अगर माइनस का है तो उसमें प्लस का मिल रहा है, इसमें तीन अंडर रूट तीन प्लस का है तो उसमें माइनस का, तो इनको क्यों ना हो कि हम सेम बना लें। अच्छा, सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर सेम बनाना है तो सेम बनाने में फिर माइनस कॉमन लेना होता है, तो अगर जैसे माइनस कॉमन लेते हैं ऐसे, इस वाले में माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, एक का बदलेगा, तो कैसे बदलेगा, जैसे केवल इससे माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो जब माइनस का प्लस हो जाएगा तो उसको पहले लिखेंगे, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा उसको बाद में लिखेंगे, और फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, चार माइनस तीन अंडर रूट तीन, फिर बटे है, इसको देखना है ये क्या बन रहा है, इसको देखते हैं ये कैसे हल होने वाला है, ये पार्ट को, बटे वाले को, हर को,
चार प्लस तीन अंडर रूट तीन, इसको भी पहले नोट कर लेते, फिर सूत्र जो है इकट्ठा बना के दिखाते हैं दोनों को। चार प्लस तीन अंडर रूट तीन कोष्ठक में है, दूसरे में है चार माइनस तीन अंडर रूट तीन। तो देखिए पहले ऊपर वाले को देख रहे हैं, ये दोनों अब सेम हो गए हैं जब से जब माइनस कॉमन लिया है। तो माइनस को कॉमन लेने से क्या हुआ कि सेम हुए, तो जब सेम हुए हैं यानी एक तरह के हम शकल हैं देख लीजिए, तो क्या करते हैं इनको, इनका हो जाता है डबल रोल। हम शकल का मतलब क्या होगा, डबल रोल, और डबल रोल का मतलब होता है गणित की भाषा में स्क्वायर, क्योंकि ये एक ही हैं लेकिन कितने हैं, दो, स्क्वायर हो गया। और बटे देखते हैं, ये माइनस लगा ही है, बटे में लिखा है चार प्लस तीन, इसको अलग से समझ लेते हैं बटे वाले को, ताकि ये एक लाइन में हल हो जाए। कैसे करना था कि जैसे बार बार एक सूत्र बनता हुआ आ रहा है ए प्लस बी, दूसरे में है ए माइनस बी, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं कि एक कोष्ठक में प्लस एक में माइनस है, तो इसी का बनेगा सूत्र, चार प्लस तीन अंडर रूट तीन, फिर है चार माइनस तीन अंडर रूट तीन। देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर ए आया है, ए आया तो चार आया, ए आया तो चार आया, पहले कोष्ठक दूसरे कोष्ठक दोनों में, फिर प्लस है तो प्लस है, बी का मान तीन अंडर रूट तीन है और बी का मान तीन अंडर रूट तीन है, तो इससे क्या पता लगता है कि ए का मान चार आ रहा है और बी का मान तीन अंडर रूट तीन आ रहा है। अब फार्मूला में अगर रखाते हैं तो देखिए ए स्क्वायर लिखा है तो ए का मान क्या प्राप्त हो रहा है, चार, तो चार आएगा, इस पर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस बी है तो बी का मान क्या निकल रहा है सब में देख सकते हैं, तीन अंडर रूट तीन, तो इसका भी स्क्वायर लगाएंगे ऐसे। अब इसको लिख रहे हैं, ये ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र बना है, तो हल हो के आ रहा है चार का स्क्वायर माइनस तीन अंडर रूट तीन का स्क्वायर, ये ऐसे बनेगा। इसके बाद जगह को देखते हुए ये यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं, अब है यहाँ पर माइनस, इसके आगे देखना है फिर माइनस लगा है। इसको अगर हल करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर देखते हैं, फार्मूला लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तोड़ा जाए अगर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, आया क्या है चार माइनस तीन अंडर रूट तीन का होल स्क्वायर। ऐसे देख सकते हैं a आया तो a का मान चार है, माइनस है तो माइनस है, b का मान तीन अंडर रूट तीन है, ए और बी के मान पता चल गए हैं, ए लिखा है तो ए का मान क्या था चार, इस पे क्या लगा है स्क्वायर तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस बी लिखा है तो बी का मान कितना है यहाँ पर तीन अंडर रूट तीन, तो तीन अंडर रूट तीन का स्क्वायर करते हैं, फिर माइनस है माइनस, दो है तो दो, ए है तो ए का मान देखते हैं चार है, फिर इनके इनके बीच में गुणा होता है, बी लिखा है तो बी का मान आया है तीन अंडर रूट तीन। तो जो आया इसको यहाँ पर लिखते हैं, क्या आया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला, ये इतना हल आया, ये तो हमारे पास था, आया क्या है ये वाला हल करने के बाद, यानी फार्मूला या सूत्र तोड़ने के बाद, चार का स्क्वायर प्लस तीन अंडर रूट तीन का स्क्वायर, दोनों का है ये वाला, माइनस दो चौके आठ त्रिक चौबीस, या पहले लिख लेते हैं वैसे ही जैसे लिखा है, दो गुड़े चार गुड़े तीन अंडर रूट तीन। यहाँ पर थोड़ा सा कोष्ठक चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला जो स्क्वायर है दोनों का है, एक का नहीं दोनों का है, इसलिए मंझला कोष्ठक। फिर बटे देखते हैं क्या आने वाला है, चार का दो बार गुणा करेंगे सोलह, चार का दो बार गुणा करते हैं सोलह, माइनस इनका कैसे हलाता है इसको देखते हैं अलग से, तीन का दो बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा नौ, इनके और इनके बीच में गुणा होगा, अंडर रूट तीन लिखा है, इसका स्क्वायर करेंगे ऐसे दो बार गुणा करेंगे यानी, तो घात करनी चिन्ह को काटेगा तो क्या बचेगा तीन, तो यहाँ पर आ रहा है तीन। अब आगे माइनस है, चार का दो बार गुणा करेंगे तो सोलह, प्लस तीन का दो बार करेंगे तो नौ, गुणा है बीच में करनी चिन्ह के साथ, तीन का दो बार करते हैं तो देखिए क्या आने वाला है तीन, ऐसे माइनस दो चौके आठ त्रिक चौबीस, और ये लिखा हुआ है अंडर रूट तीन। फिर बटे देखते हैं, सोलह है माइनस नौ त्रिक
27। फिर देखते हैं और आगे, माइनस ये है 16 प्लस 9 त्रिक 27 माइनस का है 24 अंडर रूट 3, और नीचे एक प्लस की एक माइनस की है तो प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, 16 में 27 घटाएंगे तो माइनस का 11 आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का लग गया। अब ये माइनस कट जाएगा, 16 और 27 दोनों धन के हैं, जोड़ देंगे 7 6 11 3 1 4 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे में है 11, इन दोनों को जोड़कर के 43 आया है क्योंकि धन धन के जुड़ते हैं। इस तरह देखा गया कि सवाल नंबर एक का चौथा भी हल हो चुका है, ये रहा आंसर। और अब देखते हैं आगे, सवाल नंबर चार भी हो गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पांचवा पार्ट देखते हैं। पांचवा कैसे हल करना है, तो पहले क्या करना है, एक लाइन में सवाल को उतारेंगे केवल, 5 cos² 60° प्लस 4 sec² 30° माइनस 10² 45° बटे, फिर लिखा हुआ है 30° प्लस 30° तो कुछ नहीं किया गया इसमें। अगर कुछ लोगों के समझ में ना आया हो तो ये समझाने वाली कोई नहीं है, केवल सवाल उतारा गया है, इस पर टेंशन ना लेना, केवल उतारा गया है। अब हल कैसे करना है, ऊपर वाले को हल करते हैं, नीचे वाले को भी हल करते हैं, यानी दोनों करेंगे तभी आएगा। ये लिखा है 5 को देखिए, फिर लिखा है 60° भी, तो इनके और इनके बीच में है गुणा 60 सारणी पर आते हैं, 60 को देखिए तो 60 का मान है 1/2, ये 3 नहीं है 2 है, 60 का मान है 1/2, स्क्वायर लगा दीजिए प्लस 4 sec लिखा हुआ है, इनके और इनके बीच में गुणा है, sec 30 है, sec को देखते हैं, 30 को देखते हैं तो sec 30 का मान है 2/√3, स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 10² 45°, ये जो है इसका भी मान रखते हैं, 10 45 का मान है 1, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देंगे ऐसे, बटे ये वाला जो लिखा हुआ है इसको भी ऐसे मान रखा के हल करेंगे तो आएगा जो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर इसको आसानी से हल करना चाहते तो एक फार्मूला देखते हैं, जो लोग ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे हैं तो उसमें से फार्मूला एक मिलेगा, 2 θ प्लस 2 θ बराबर 1 मिलेगा वहाँ पर। और यहाँ पर क्या आया है, 2 देख सकते हैं, 2 θ प्लस 2 cos², यहाँ पर देखिए 2 cos² 30°, तो इसको क्या देखना है, साइन है तो साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कास है तो कास है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, थीटा है और यहाँ पर थीटा है लेकिन नीचे वाले में थीटा के स्थान पर, दोनों थीटा के स्थान पर 30 आया है, इसको देखना है। तो जब 2 θ प्लस 2 θ का मान 1 हो सकता तो बिल्कुल सेम बनने वाला, उसी की तरह बनने वाला, सिर्फ फर्क क्या है, थीटा का मान 30° आ गया है, तो फार्मूला कौन सा बन रहा है, 2 θ प्लस 2 θ का ये बिल्कुल समकक्ष है, तो इसका भी मान होता है 1। कुछ लोगों को लग रहा होगा तो ऐसा नहीं, हल भी करेंगे तब भी 1 आएगा, लेकिन एक लाइन में हल हो रहा है क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है, 2 θ प्लस 2 θ और 1, उसी तरह 2 30° प्लस 2 30° इन ये किसका मान है, थीटा का, यहाँ पर थीटा मान के चले तो 1 आ जाएगा, तो इसके पूरे के स्थान पर आ गया 1, 2 30° प्लस 2 30° बराबर 1 आया, कहाँ से आया लिखा हुआ है समझ जाएंगे। फिर और आगे देखते हैं, अब क्या है, 5 लिखा है गुड़े 1, 1 का 2 बार गुड़ा करिए 1 आएगा, 2 का 2 बार करेंगे क्योंकि ये कोष्ठक दोनों में है, 2 × 4 आएगा प्लस, तो प्लस लगाइए 4, फिर है गुड़ा 2 का 2 बार गुड़ा करेंगे 4, बताया गया कि कर्णी चिन्ह वाला जब गुणा करता है तो कर्णी चिन्ह घात से कट जाता है, यानी वर्ग करते हैं जब, तो
तो वर्ग करेंगे तो घात से करणी चिन्ह कटेगा तो केवल बचेगा तीन, माइनस से माइनस करेंगे, एक का दो बार गुणा करेंगे तो एक आएगा। और नीचे क्या था, एक, अब नीचे एक नहीं लिखा जाता है तो ना लिखिए, यहीं से सवाल हल करते हैं, ऐसे डायरेक्ट देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर पाँच एकम पाँच और बटे क्या लिखा हुआ है चार, प्लस चार चौक सोलह, बटे लिखा हुआ है तीन, माइनस है एक। अब बारी आती है लासा लेने की, क्योंकि जान चुके हैं लासा लेने के अलावा और कोई हल नहीं है इसका। तो लासा लेने में क्या किया था, जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे एक मान लेते हैं। अब ये भी बताया गया कि जब दो या तीन अंक हों, तीनों अलग अलग हों, तो लासा लेने से बचने के लिए तीनों का आपस में गुणा करवा दीजिए। तो चार गुणे तीन गुणे एक, चार गुणे तीन गुणे एक करेंगे। फिर इसके बाद कैसे करना है, हर को देखिए और ये पूरे हर को देखिए, चार से चार कट जाएगा तो बचेगा क्या, तीन एकम तीन, जो तीन एकम तीन आ रहा है वो इस पाँच से गुणा करें क्योंकि इसकी बात हो रही है। तो तीन पचे पंद्रह, फिर चिन्ह क्या लगा हुआ है, प्लस का प्लस लगाएंगे। फिर हर को देखिए तीन है, ये तीन से ये तीन कट जाएगा तो बचेगा क्या, चार एकम चार, यानी चार बचेगा, वो चार इस सोलह से गुणा करेगा तो सोलह चौक चौंसठ होता है। और फिर चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, माइनस लगाएंगे और इस बार हर में है एक तो हर के पास जाएगा, देखेगा कोई कटने वाला है क्या, लड़ने वाला है क्या, तो एक से एक कट जाएगा और बचेगा क्या, चार तीन बारह, वही बारह इस एक से गुणा करेगा आकर के तो बारह एक का बारह ऐसे। फिर देखते हैं ये दोनों धन के हैं, ये ऋण का है, धन धन वाले जुड़ते हैं, ऋण वाला घट जाएगा बाद में, पहले धन धन के जोड़ लेते हैं। पाँच चार नौ, छः एक सात, और माइनस वाला क्या लिखा हुआ है बारह, चार तेई बारह, बारह एकम बारह, ये माइनस में है नहीं तो यहीं से कट जाता अगर गुणा में होता, माइनस का नहीं कटता है या प्लस का नहीं कटता। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये बारह से ये बारह काट देंगे, खुश हो जाएंगे, 79 आंसर आ गया, पर इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि गलत हो जाएगा सवाल। कब कटता, अगर ये बनता ऐसे करके गुणा लगा के तब गुणा में कटता, माइनस और प्लस में नहीं काटे जाते, जो काट लेते हैं फिर खुश भी हो जाते हैं। 79 में 12 घटाएंगे पहले तो 9 में 2 गए 7, 7 में 1 गया 6, अपान में या बटे में है 12। तो इस तरह से देख रहे हैं कि सवाल नंबर एक के पांचवें पार्ट का आंसर भी आ गया है 67/12। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर दो को देखते हैं, इसको कैसे हल करना है। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो एक एक सवाल को देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर सवाल नंबर पहला नोट कर लीजिएगा। और क्या होता है कि जब पेपर होते हैं बोर्ड पेपर, भाई क्लास टेंथ चल रही है तो बात कर सकते हैं हम बोर्ड पेपर की, वहाँ पे क्या होता है कि जब ये विकल्प वाले सवाल आते हैं तो जिनको कुछ नहीं आता है वो क्या करते हैं, क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं सही विकल्प चुनिए। तो कैसे चुनते हैं, वो इधर उधर से नकल की व्यवस्था करते हैं या फिर सोचते हैं चिड़िया तो है ना कि हम चुन लेंगे, और इसके बाद इससे कोई मतलब नहीं रखते हैं, औचित्य वगैरह कोई मतलब नहीं, बस जैसे उनको पता लग जाता है कि इन चारों में से कोई एक सही है उसको लिख लेते हैं, बस हो गया, विकल्प चुन लिया, औचित्य से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये जब ये ऐसे करके आ जाए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, तो औचित्य का मतलब क्या हुआ करता है कि हल करना पड़ेगा, हल करके लगाएंगे तभी सही रहेगा, हल करते करते खुद जान जाएंगे इन चारों में से कौन सा सही है। तो हल देखते हैं, 2 tan 30 अंश बटे लिखा है 1 tan² 30 अंश। सारे सवाल अभी सब उसी तरह जा रहे हैं जिस तरह पहले वाले भी हुए हैं इसके, 2 लिखा है 2 लिखिए, इनके और इनके बीच में गुणा है, लिखा है tan 30 का मान है 1/√3, फिर ये बटा लगाते हैं, 1 लिखा है 1 लिखिए, प्लस टेन है टेन लिख देते हैं, एक मिनट इसका भी मान रखाते हैं,
टेन तीस, तो टेन तीस का मान क्या है देखा गया अभी अभी, टेन तीस का मान एक बटे अंडर रूट तीन, स्क्वायर कर दीजिए, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे। आगे देखते हैं, और अभी दो एक कम दो, तो दो बटे आ जाता है अंडर रूट तीन, फिर बटे है ये वाला, यहाँ पर क्या लिखा है एक धन, एक का दो बार गुणा करेंगे तो एक आएगा, अंडर रूट तीन का दो बार गुणा करेंगे तो बताया गया था कि घात जो है करणी चिन्ह को काट देती है तो तीन बचेगा, तो यहाँ पर आ गया तीन। फिर और आगे देखते हैं, नीचे एक मानना पड़ेगा, ऊपर लिखा हुआ है दो बटे अंडर रूट तीन, फिर बटे लिखा है, बारी आती है लासा लेने की, लासा कैसे लेते हैं कि जो लिखा है अंक गुणा में लिख देते हैं ऐसे, एक से एक कट जाएगा, तीन बचेगा, तीन एक कम तीन, प्लस अब तीन से तीन कटेगा, एक बचेगा तो एक जाएगा, एक से करेगा तो एक एक कम एक। और आगे बढ़ते हैं, लिखा है दो बटे अंडर रूट तीन, फिर ये वाला बटे लगाते हैं, आया क्या है यहाँ पे तीन एक चार, ये वाला तीन एक चार, फिर बटे लिखा हुआ है, तीन एक कम तीन, इस तरह हल कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ करता है कि ये ऐसे ऊपर नीचे बीच बीच के आपस में गुणा करते हैं, तो तीन जा रहा है कहाँ दो के पास, तो दो गुणे तीन, और ये चार आ रहा है इसके पास अंडर रूट तीन के पास, तो चार गुणे अंडर रूट तीन। फिर क्या करना होगा, ये दो जो है चार को काट देगा दो बार में, तो दो बार में कट जाएगा, और ये करणी चिन्ह के साथ जो तीन है इस पूरे तीन को करणी चिन्ह के साथ काट देगा। कैसे होता है, तीन को करणी ऐसे लिख सकते हैं ऐसे करके, इसको अलग से देख लीजिए क्योंकि कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए है। और क्या लिखा है यहाँ पे अंडर रूट तीन, तीन को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट तीन गुड़े अंडर रूट तीन लिख सकते हैं इसके बराबर, और इससे ये कट जाएगा तो क्या बचने वाला है, केवल अंडर रूट तीन बचेगा। तो क्या था ऊपर अंडर रूट तीन, और नीचे क्या बच रहा था ये दो, तो पूरा हल जो आया है अंडर रूट तीन बटे दो। क्या इन चारों ऑप्शन में विकल्प में देखना है हमें ऐसा कौन सा है जिसका मान अंडर रूट तीन बटे दो होता है, तो एक एक को चार से देख लेते हैं, बल्कि बाद में क्या होता है बच्चों को तो याद हो जाता है, उस खुद देख के ही जान जाएंगे, लेकिन अभी सीख रहे हो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं जो, उनके लिए कि इन चारों में से ऐसा कौन है जिसका मान जो है अंडर रूट तीन बटे दो होता है। तो पहले को देखते हैं साइन साठ, तो साइन साठ को देखिए ये लिखा हुआ अंडर रूट तीन बटे दो पहला ही मिल गया, इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है पहला। तो क्या लिखेंगे, ये मान किसका है साइन साठ का। अब इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, अतः विकल्प कौन सा सही होगा, पहला सही है, इस तरह लिखते हैं तब नंबर अच्छे मिलते हैं, ये नहीं कि चुन लिया चिड़ियों की तरह बस कोई मत। क्वेश्चन नंबर दो का अब दूसरा सवाल देखते हैं, इसमें भी वही करना है कि विकल्प चुनना है और अपने विकल्प का औचित्य देना है, यानी हल करना है। तो पहले क्या आता है कि जब हल करें तो पहले एक लाइन में सवाल को उतारें, वन प्लस टेन स्क्वायर पैंतालीस है, आंसर क्या आना है इन चारों में से कोई एक आएगा वो तो हल करने के बाद पता चल जाएगा। लिखा है वन माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो यहाँ पर यानी टेन 45 है, तो टेन को देखिए 45 को देखिए, टेन 45 को मान क्या लिखा हुआ है एक लिख देते हैं, टेन 45 को मान स्क्वायर लगा है तो ऐसे करके स्क्वायर लगाते हैं, फिर ये वाला बटे लगाते हैं, प्लस ये वन है, प्लस लिखा है प्लस देखते हैं, टेन स्क्वायर 45 फिर से लिखा है, तो टेन 45 को मान कितना देखा गया है एक स्क्वायर लगा, स्क्वायर कर दीजिए ऐसे। और आगे देखें तो एक लिखा हुआ है, फिर माइनस है, एक का दो बार गुणा करेंगे बताया गया, एक का दो बार तीन बार चार बार चाहे हज़ार बार गुणा करते हैं एक ही आएगा, तो एक कर देते हैं, फिर बटे एक है तो एक करिए प्लस, फिर उसी तरह एक का दो बार करेंगे तो एक आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस और माइनस का क्या होता है कि कट जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो बटे एक, एक मिल के हो जाएंगे दो। अब इसके बाद दो का पहाड़ा पढ़ना है कि शून्य में जाए, तो शून्य आ जाएगा,
देख के जान सकते हैं। चुनने से अच्छा क्या है कि आंसर को हल कर लें, मतलब इसको हल कर लें। दो का पहाड़ा पढ़िए, शून्य आ गए, शून्य आंसर है। देख सकते हैं कौन सा सवाल सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो डी नंबर। क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः विकल्प डी सही है। इस तरह इनको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दो का आप तीसरा सवाल देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, साइन टू ए बराबर टू साइन है, यानी ये जो साइन टू है ये वाला टू साइन ए के बराबर कब होगा। कह रहा है तब सत्य होता है जब ए बराबर हो, यानी इन चारों को बारी बारी से रख रख के देखना कि ऐसा क्या मान ए का रख दें, ये लिखा ना यहाँ पे, ए का क्या मान रख दें कि ये दोनों आपस में क्या आ जाएं, बराबर आ जाएं। ऐसा क्या रख दें कि बराबर आ जाएं, और कहाँ पे क्या रखना है, तो ए के बराबर क्या रखना है। तो क्या करना है, पहले कहें हल करने से पहले एक लाइन में सवाल को उतारेंगे, टू साइन ए रख के चेक कर सकते हैं। अगर ए बराबर जीरो रखते हैं, केवल चेक कर रहे हैं कि लगाना कैसे, साइन टू लिखा है टू लिख दीजिए, ए तो ए का मान अगर जीरो रख के चलते हैं तो जीरो आया, फिर लिखा है दो, ये लिखा है साइन, ए का मान अगर क्या लेते हैं जीरो, तो यहाँ पर आ गया जीरो, साइन दो शून्यम शून्य हो जाएगा, और ये लिखा है दो, ये लिखा है साइन जीरो। अब ये जीरो हैं तो साइन जीरो का मान अगर देखा जाए तो जीरो होता है, तो ये जीरो आ गया, बराबर दो लिखा है, गुणा होता है इनके बीच में, फिर देखिए साइन जीरो का मान तो जीरो होता है, फिर जीरो बराबर दो शून्यम शून्य, यानी शून्य बराबर शून्य आ गया। ये तो रहा कि पहले में आ गया, अगर इसमें ना आता तो हो सकता था इसमें आता, या फिर इसमें आता, या फिर इसमें आता, हम लगा लगा के रख रहे थे, तो देखा गया पहले सवाल में ही इसका आंसर आ गया। अतः विकल्प कौन सा सही है देखा जाए, तो कैसे लिखेंगे, अतः विकल्प ए सही है, ऐसे। क्वेश्चन नंबर दो के अब चौथे सवाल को देखना, जो आया हुआ है टू टेन तीस वन माइनस टेन स्क्वायर तीस अंश। हल करने से पहले एक लाइन में सवाल को उतारेंगे, टू टेन तीस अंश बटे लिखा हुआ है वन माइनस टेन स्क्वायर तीस अंश। वैसे हल करते हैं, जितने भी सवाल आज तक अभी तक देखे गए हैं उनमें क्या था कि सिर्फ मान रखा रहे हैं, टेन तीस लिखा है तो इनके और इनके बीच में गुणा होता है। टेन तीस का मान देख सकते हैं सारणी में, टेन तीस का मान है एक बटे अंडर रूट तीन, फिर बटे है तो बटे लगा दीजिए ऐसे, वन माइनस टेन स्क्वायर तीस अंश, तो टेन को देखिए टेन तीस का मान क्या था, एक बटे अंडर रूट तीन ऐसे करके है, इसमें क्या लगा है इस बार स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए। फिर आगे और देखते हैं, दो एक कम दो बटे लिखा हुआ है अंडर रूट तीन, फिर ये बटे लगाते हैं मेन, ये है एक माइनस एक का दो बार गुणा करेंगे तो एक, अंडर रूट तीन का दो बार करेंगे तो क्या आता है, वहाँ पे लिखा हुआ है या फिर जान चुके हैं अब, तीन। नीचे क्या मानेंगे, एक, क्योंकि क्या लेना पड़ेगा अब लासा, लिखा है यहाँ पर दो बटे अंडर रूट तीन, फिर ऐसे है, और अब देखते हैं लासा बताया गया कि जब अलग अलग अंक हों दोनों को गुणा में लिख दीजिए ऐसे करके, कमज़ोर बच्चों के लिए है, जिनको आता है कोई बात नहीं अपने हिसाब से करें, एक से एक कट जाएगा, तीन बचेगा, यही तीन इस एक से गुणा करेगा तो तीन एक कम तीन, अब लगा हुआ है माइनस। अब इस हर को देखिए, इससे देखिए कौन कटने वाला, तीन से तीन कटेगा तो एक बचेगा, अब ये एक इस एक से गुणा करेगा तो एक एक कम एक आता, या फिर जब आपस में गुणा कराया लासा लेने में तो फिर तिर्यक गुणा करवा देते हैं, तीन एक कम तीन ये आया, एक एक कम एक ये आया, इस तरह भी कर सकते हैं जो आसान लगे। दो बटे अंडर रूट तीन लिखा हुआ है, बटे तीन में एक गए दो, फिर बटे तीन एक कम तीन, जैसा कि जान चुके हैं ऐसे ऊपर नीचे बीच बीच गुणा करते हैं, तो दो के पास तीन जा रहा है तो दो गुणे तीन बटे दो अंडर रूट, दो गुणे अंडर रूट तीन, ये वाला आ गया। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, दो से दो कट जाएगा, तीन बटे अंडर रूट तीन आ गया, या फिर मान सकते हैं आधा तीन, ये पूरा तीन,
आधा तीन पूरा तीन को आधा बार में काट देगा। अब खुद बताओ ये अंडर रूट तीन जो मान है, याद हो गया या इससे देख के बता लें कि अंडर रूट तीन मान इन चारों में से किसका होता है। तो चाहे देख लीजिए या फिर जान चुके हैं, तो टेन साठ है जिसका मान होता है अंडर रूट तीन। तो इस बार देखा गया कि विकल्प कौन सा सही है, अतः विकल्प सी सही है। इसके अलावा और देखते हैं, ये सवाल एक लाइन में हल हो सकता है कुछ स्मार्ट तरीके, जैसा कि ये सवाल देखा गया अभी और पहले भी हमने बताया कि जो इस प्रश्नावली में सवाल आ रहे हैं तो मैक्सिमम को देखा जा रहा है, तो हल तो इससे हो ही रहे हैं पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है फार्मूला बन रहा है। फार्मूला से अगर हल करते हैं तो फार्मूला याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फार्मूला से हल करने में क्या है कि थोड़ा सा छोटा लग जाएगा। या फिर कुछ वो बच्चे हैं जो अभी भी बैक वाला नहीं देखे हैं तो उसको फार्मूला से देख लेते हैं, इसको जैसे ये वाला सवाल इसके पहले भी बने फार्मूला उनको नहीं दिखाया तो इसको देख लेते हैं कह जा एग्जाम्पल कि फार्मूला से कैसे बनते हैं। जिनका फार्मूला है उनको दिखाएंगे, जिनका नहीं उसको सीधा सीधा हल करेंगे। तो जैसे देख रहे हैं ये वाले सवाल का फार्मूला बनता है, तो कैसे बनता है तो एक अथवा में देख लेते हैं कितना ज़्यादा टाइम नंबर बात किया जाए, क्योंकि ऑप्शनल सवाल है एक नंबर ही मिलते हैं तो उसको एक नंबर के लिए छोटा सा भी हल कर सकते हैं, या फिर जिनको नहीं आता है वो अपना इसी सारणी से हल करें। तो कैसे देख लेते हैं, जैसे ये लिखा है यहाँ पे 2 tan 30 अंश, तो उसके हिसाब से देखना एक फार्मूला होता है, tan 2a बराबर होता है 2 tan a बटे 1 minus tan square a। और इस समय तुम्हारे पास क्या है सवाल में, 2 tan 30 अंश, देख सकते हैं 2 लिखा है, tan 30 अंश बटे 1 minus tan square 30 अंश। देख लीजिए मैच करिए जो हमने लिखा अपना सवाल वो लिखा है कि नहीं, वहाँ पर तो है। और अब इस फार्मूला पर रखा के देखिए क्या लग रहा है या नहीं, 2 है तो 2 है, tan तो tan, a लिखा था तो 30 है, फिर 1 है तो 1 minus tan square फिर 30, यानी जहाँ जहाँ पर a देखा गया वहाँ वहाँ पर 30 देखा गया। इससे ये पता चलता है कि a का मान कितना आ रहा है 30 अंश, यानी ये किसका फार्मूला बन रहा है, tan 2a का। तो जब tan 2a का बन रहा है तो tan लिखिए और ये लिखा है 2, और a का मान कितना आया है यानी इस फार्मूला में 30 का आ रहा है, a का मान कितना आ रहा है यहाँ पे 30, 30 दुनाई होता है 60 तो आ जाता है tan 60। देख सकते हैं केवल एक लाइन में हल हुआ है, ये स्मार्ट तरीका है या फिर फार्मूला से। और ये ऑप्शन नंबर सी तब भी सही, चाहे ऐसे करें या ऐसे करें दोनों सही।